आप सबके बहुत से मैसेज आ रहे थे जो स्पेशली जो बिहार के खिलाड़ी हैं कि हमारे यहाँ की स्टेट ट्रायल्स का प्रोसेस क्या है, या हम कैसे ट्रायल्स दे सकते हैं, या हमको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, क्या मैं 4-5 साल से बिहार में हूँ तो क्या मैं बिहार से ट्रायल दे सकता हूँ। तो आज मैं सभी क्वेश्चंस लूँगा और मैं ये बताऊँगा आपको कि आप बिहार क्रिकेट से एसोसिएशन से कैसे ट्रायल दे सकते हैं, या कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या बिहार का ट्रायल्स लेने का क्या प्रोसेस है। आपको कोई एकेडमी ज्वाइन करनी पड़ेगी या कोई क्लब ज्वाइन करना पड़ेगी। आप अगर एकेडमी और क्लब नहीं ज्वाइन किए हैं तब भी आप बिहार से ट्रायल दे सकते हैं। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो पहले मैं बात करूंगा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ट्रायल कैसे कंडक्ट कराता है। तो बिहार की सभी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यता मिली हुई है। तो बिहार में सभी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का की जिम्मेदारी होती है कि वो ट्रायल्स ऑर्गेनाइज कराए। तो सभी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में कुछ क्लब्स रजिस्टर्ड हैं, वो जैसे ऐसा है कुछ एकेडमीज और क्लब चलती हैं, कुछ आप देखेंगे तो सिर्फ कागज़ पे हैं लेकिन वो रन करती हैं। ऐसा भी है बिहार में क्योंकि मान्यता इनको 3 साल पहले ही मिली है। तो अगर आपको बिहार से ट्रायल देना है तो आपको एकेडमी या क्लब ज्वाइन करना होगा। तो वहाँ लीग्स होती हैं, साल भर में 16 की भी होती है, 19 की भी होती है, ओपन की भी होती है। तो आपको रजिस्टर्ड करके अपने एकेडमी या क्लब से आपको फॉर्म मिलेगा, आपको डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का वो फॉर्म भरना होगा और जितने भी लीग्स होंगी उसमें आपका परफॉर्म करना होगा। तो परफॉर्मेंस के बाद आप सपोज कीजिए 19 का ट्रायल्स है तो सभी क्लब्स 5 लड़के 10 लड़के 7 लड़के जितना भी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन एक क्लब से मांगता है उतने बच्चों का नाम भेजा जाता है डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को। तो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन फिर से उनको उनके मैचेस कराकर लिस्ट मिलती है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की। तो अगर आप कोई क्लब या एकेडमी नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप बिहार से ट्रायल्स नहीं दे सकते हैं। और दूसरी बात जो मुझे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि क्या मैं 4-5 साल से हूँ बिहार से ट्रायल दे सकता हूँ, बिल्कुल आप दे सकते हैं। आपको 3 साल की मार्कशीट होनी चाहिए अगर आप कहीं से भी ट्रायल, ये BCCI का रूल है कि अगर आप 3 साल कहीं रहते हैं, काम करते हैं या पढ़ते हैं तो आप वहाँ के लिए एलिजिबल हो जाएंगे एज अ लोकल वहाँ खेलने के लिए। तो डॉक्यूमेंट्स में बिहार क्रिकेट में भी वही डॉक्यूमेंट्स चाहिए। फिर से मैं बता दूँ, आपका आधार कार्ड बिहार का होना चाहिए। अगर आप 3 साल से ऊपर हैं बिहार में तो आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा, तो आपका आधार बिहार का होना चाहिए। दूसरी चीज़, 3 साल की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए और बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट में बहुत लोग ये कन्फ्यूज़ होते हैं कि क्या मेरा UP का बर्थ सर्टिफिकेट है। बर्थ आप कहीं भी इंडिया में ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। आपका बर्थ सर्टिफिकेट कहीं से भी रहेगा लेकिन ऑनलाइन वाला रहेगा, आपका ऑनलाइन वाला होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट कहीं का भी हो चलेगा। और आपका निवास के लिए एक प्रूफ चाहिए कि आप राशन कार्ड या मूल निवास जो भी हो वो चाहिए। अगर आपके पास ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप बिहार के लिए एलिजिबल हैं ट्रायल्स देने के लिए। सबसे ज़्यादा और पूछे जाने क्वेश्चन हैं कि ट्रायल्स की डेट कब होती है। तो पहली चीज़ ये कोशिश कीजिए क्लब या एकेडमी में आप रजिस्टर्ड कराएं कि ट्रायल की कोई निश्चित डेट नहीं होती, क्योंकि आपकी डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन आपके क्लब से मांगती है खिलाड़ियों के लिए। तो आप ये कोशिश करें कि आप किसी भी एकेडमी या क्लब को ज्वाइन करें, एक निश्चित डेट नहीं होता। जैसे हमारे यूपी में होता है कि एक निश्चित टाइम पे आपको भरना है, अगर आप एकेडमी और क्लब नहीं ज्वाइन किए हैं तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन बिहार में ऐसा सिस्टम नहीं है, आपको कोई क्लब ज्वाइन करना होगा। हाँ, मैं आपकी बात से इस बात से सक्रिय हूँ, एग्री रहूँगा ये कि आप अगर ये कह रहे हैं कि नहीं कुछ ऐसी एकेडमी या क्लब हैं बिहार में जो चलती नहीं है लेकिन रजिस्टर्ड है, ऐसी बिहार में है तो आप उन क्लब में भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको वहाँ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो जो भी आपसे चार्जेस लें अपने क्लब के यहाँ रजिस्ट्रेशन कराएगा, अगर वहाँ रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो आप एलिजिबल रहेंगे। तो आप कोशिश कीजिए अपने डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेंगे, हम भी आपके डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन का नंबर निकाल के दें। कमेंट सेक्शन से आप बताइए कि आपकी क्या इशू है, हमने जो भी बिहार क्रिकेट से रिलेटेड इशू होगी सब कवर करने की कोशिश की है। अगर कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट में भी हमसे पूछ सकते हैं, इंस्टा का लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ भी आज आप हमसे पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा।